गुड मॉर्निंग क्लास, टुडे टॉपिक इज एंकाइलोसिस स्पॉन्डाइलाइटिस। ठीक है, सो कंटिन्यू द डेफिनेशन। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस। ये क्या है, एक फॉर्म है अर्थराइटिस का, ये होता है दैट इज़ लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, क्रॉनिक होता है और मोस्ट ऑफन इफेक्ट्स करता है स्पाइन को। ठीक है, इट अफेक्ट्स जॉइंट्स इन द स्पाइन। ये क्या करता है, अफेक्ट करता है जॉइंट ऑफ द स्पाइन को एंड द सैक्रोइलियम इन द पेल्विस। जो हमारा सैक्रोइलियम रीजन होता है पेल्विस में, उसको क्या करता है, ये अफेक्ट करता है। ठीक है, और कॉजिंग इवेंचुअल फ्यूजन ऑफ द स्पाइन। ठीक है, और क्या करता है, फ्यूजन मीन्स जब जॉइंट होती है टू और मोर थिंग, क्या करता है ये स्पाइन में फ्यूज़न कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट, कंप्लीट फ्यूज़न रिजल्ट इन अ कंप्लीट रिजिडिटी ऑफ द स्पाइन। जब कंप्लीट फ्यूज़न होगा तो उससे क्या होगा, कंप्लीट रिजिडिटी, मतलब जो हमारी स्पाइन है वो क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, कठोर टाइप की हो जाएगी कंप्लीट। ठीक है, अ कंडीशन नोन एज बैम्बो स्पाइन। तो हम इसको क्या बोलते हैं, बैम्बो स्पाइन। बैम्बो स्पाइन मीन्स कंप्लीट फ्यूज़न ऑफ द बोन ऑफ द स्पाइन। जो स्पाइन की बोन है उनका क्या हो जाएगा, कंप्लीट फ्यूज़न हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, एंकाइलोसिंग स्पॉन्डाइलाइटिस इज अ सिस्टमैटिक रूमेटिक डिजीज़। ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं, सिस्टमैटिक रूमेटिक डिजीज़ भी होती है ये, और ये क्या होती है, इज़ वन ऑफ द सीरो नेगेटिव स्पॉन्डिलो आर्थ्रोपैथिस। ठीक है, हम इसे सीरो नेगेटिव, ये एक सीरो नेगेटिव स्पॉन्डिलो आर्थ्रोपैथिस भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, द टिपिकल पेशेंट इज यंग एज। ये किन पेशेंट में होती है, जो 18 से 30 एज के होते हैं। ठीक है, मैन आर अफेक्टेड मोर देन वुमेन। इसमें क्या होता है, मैन ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं देन द वुमेन, रेशियो है 3:1। नेक्स्ट, व्हाट कॉजेज एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस। ठीक है, इसके कॉजेज हैं, द कॉजेज ऑफ एंकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस इज अननोन। ठीक है, इसका कोई कॉजेज नहीं है, बट अ टेंडेंसी टू डेवलप द कंडीशन मे बी जेनेटिक। ठीक है, यह कंडीशन कभी कभी किस वजह से हो सकती है, जेनेटिकली भी हो सकती है। तो फर्स्ट टेस्ट में HLA B27 जीनोटाइप, ये 90% पेशेंट में होता है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। ठीक है, और IL फर्स्ट, तो फर्स्ट है HLA-B27 ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन B27 सब टाइप B2701 और 2724। ठीक है, इज अ क्लास आई सरफेस एंटीजन होता है, एनकोडेड होता है बी लोकस। ठीक है, और मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी होती है, कॉम्प्लेक्स ऑन क्रोमोसोम 6 होता है, और प्रेजेंट होता है माइक्रोबियल एंटीजन में टू द टी सेल में। ठीक है, HLA-B27 इज अ स्ट्रॉन्गली एसोसिएट होता है सर्टेन सेट ऑफ ऑटोम्यून डिजीज। ठीक है, जो कि रेफर्ड करती है सीरो नेगेटिव स्पॉन्डिलो आर्थ्रोपैथीज। ठीक है, नेक्स्ट, TNF होता है ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। ठीक है, इसको हम कैकेंगजिन और कैकेक्टिन एंड फॉर्मली नोन एज ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। ये होता है, इज अ साइटोकाइन इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये क्या करता है, सिस्टमैटिक इन्फ्लामेशन करता है। द प्राइमरी रोल ऑफ TNF इज इन रेगुलेशन ऑफ इम्यून सेल। ये क्या करता है, हमारी इम्यून सेल को रेगुलेट करता है। ठीक है, TNF इज ऑल्सो एबल टू इंड्यूस जो हमारी एपोप्टोटिक सेल होती है उनको क्या करता है, उनकी क्या करता है, डेथ करता है, इंड्यूस करता है इन्फ्लामेशन और इनहिबिट करता है ट्यूमरोजेनेसिस, मतलब जो ट्यूमर बनते हैं उसको क्या करता है, इनहिबिट करता है, ब्लॉक कर देता है। ठीक है, और वायरल रेप्लिकेशन को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट, IL-1, इसको हम IL-1 बोलते हैं, द ओरिजिनल मेंबर होता है ये IL सुपर फैमिली का, IL-1 अल्फा, IL-1 बीटा एंड द IL-1 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ठीक है, IL-1 अल्फा एंड बीटा क्या होते हैं, प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन्स होते हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं इम्यून डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन। ठीक है, ये इम्यून डिफेंस में अगेंस्ट इन्फेक्शन ये क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, जो IL-1R है ये मॉलिक्यूल होता है, ये क्या करता है, कॉम्पैक्ट करता है रिसेप्टर को बाइंडिंग विद IL-1 अल्फा और IL-1 बीटा और ब्लॉकिंग करता है देयर रोल। ठीक है, नेक्स्ट है द एंकाइलोसिस प्रोसेस। ठीक है, फर्स्ट देखो नॉर्मल स्पाइन, इसमें है वर्टिब्रा और डिस्क। ठीक है, सेकेंड में देखो जो लिगामेंट है उनमें और जॉइंट पे क्या हो रहा है, इन्फ्लामेशन हो रहा है। ठीक है, थर्ड में देखो फॉर्मेशन हो रहा है सिंडेस्मोफाइट्स
फाइट्स मतलब ये क्या होता है, एक बोनी ग्रोथ होता है, इसमें क्या होता है ओरिजिनेट होता है ये इनसाइड अ लिगामेंट, ठीक है। लिगामेंट में क्या होता है ये बोनी ग्रोथ होता है, ठीक है। देखो बोन प्रोटूबरेंसेस, बोन प्रोटूबरेंसेस मतलब जो बोन का पार्ट है वो ऊपर की तरफ क्या है उभर रहा है, ऊपर को उठ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद देखो फ्यूज़न हो रहा है, जो बोन और डिस्क था वो दोनों क्या है आपस में जुड़ गई हैं, मिल गई हैं, ठीक है, फ्यूज़न हो गया उनका। देखो एंकिलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस में नॉर्मल वर्टिब्रा देखो और उसके बाद फ्यूज्ड वर्टिब्रा, ठीक है। एनी क्वायरीज, थैंक यू क्लास।